Guys, तो वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी तो आइए आज आ, अभी हम आप लोगों के सामने जो जेके पी एस आई का एग्जाम हुआ आज उसकी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आएंगे एक एग्जाम एक एनालिसिस हम उसके रिलेटेड कर लेंगे ठीक है जेके पी एस आई का फर्स्ट शिफ्ट हमने पहले देखा अभी सेकेंड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो आज कर लेंगे हम उसके बाद साथ, साथ में आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ पी डी एफ किसी भी मटेरियल की हमारी एम सीरीज़ चल रही है भाई इंपॉर्टेंट एम सीरीज़ है अगर आप शिफ्ट वन के कोश्चनज़ भी देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने गैस पेपर भी दिया था उससे भी निकले हैं कंप्यूटर एम उससे भी निकले हैं क्वेश्चनज़ तो क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं आप एक बार करके एक बार वहाँ पर जाके विज़िट करिए उसके बाद जो भी आपका करंट अफेयर है बहुत सारे बच्चों बच्चों से हमने बहुत सारे बच्चों से हमने बात की है करंट अफेयर्स एक आ, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है प्राइवेट पोजीशन वहाँ पे होती है करंट अफेयर्स की करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर सीरीज़ हम चलाते आ रहे हैं पिछले कई महीनों महीनों से प्लीज़ वहाँ पर भी जाके आप लोग विज़िट करिएगा तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन बहुत यानी कि सी है तो एग्जैक्टली exactly क्वेश्चन हमारे पास नहीं पहुँचता है जिस तरह से बच्चे हम हमारे तक पहुँचाते उसी तरह हम आप लोगों के सामने शेयर करते देखिए क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन डांडी मार्च का डेट पूछा गया था सो so, डांडी मार्च का डेट ये जी के सिटेटिक की बात कर रहा हूँ ये जो पोर्सन मैं डिस्कस करूँगा जी के सिटेटिक बाकी मैथमेटिक्स रीजनिंग जो थी वो बोला जाता था ईजी टू मॉडरेट लेवल थी ठीक है ईजी टू मॉडरेट लेवल थी उसके बाद लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया वाइज ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था ठीक है उसके बाद ये पूछा गया था ऑप्शन दिए थे और उनसे पूछा गया था रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक पलेटू ठीक है वो पूछा गया था उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बारे में कुछ पूछा गया था यानी कि पोनीर कम्युनिटी के बारे में इकोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है इसके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कश्मीरी स्टैग हांगुल उसके बारे में मैं भी क्वेश्चन आया था तो हम देखते हैं कि जी हाँ स्टेटिक जी के उतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है वाइटामिन डी या कैल्शियम के बारे में कुछ ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन जो बच्चे हमारे तक आ, आ, हमारे तक पहुंचा रहे थे इस हिसाब से पूछाया गया है ये क्वेश्चन उसके बाद मायोपिया के बारे में साइनस के रिलेटेड ठीक है तो उसके बारे में पूछा गया था मा मय, माओपिया के बारे में शॉर्टकट की यानी कि कंट्रोल प्लस वी का पूछा गया था अगर हमारे लेक्चर आप चेक कर लोगे परसों ही मैंने आप लोगों को एम का का जो सेशन दिया था कंप्यूटर का उस पर मैंने शॉर्टकट कीज आपको बताए थे इंपॉर्टेंट अगर हिस्ट्री का भी आप चेक कर लोगे डांडी मार्च भी आपको वहाँ पे मिलेगा यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आप तक बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे पहुँचाए थे होम रूल मोमेंट हमने ऑलरेडी एम सेशन में आपको करवाया है यहाँ पे भी होम रूल मोमेंट चल रहा है अब बाकी एम भी हमारे देखो एम सीरीज़ चल रही है वहाँ पे जाके आप विज़िट करिए और देखो आइंदा भी नेक्स्ट जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशल रहेगा आर्टिकल 32 जो कि रिल रिट्स के रिलेटेड है पॉलिटी से पूछा गया है आर्टिकल 32 इसके रिलेटेड पूछा था शायद कि ये किसके रिलेटेड है या इसमें कितने रिट्स है इसमें पाँच रिट्स होते हैं और रिट्स के रिलेटेड होता है उसके बाद वेट लैंड डे भी पूछा गया था जी हाँ वेट लैंड डे कब होता है ये भी पूछा गया था ये भी करंट अफेयर के रिलेटेड ही है प्रियम्बल कंपोनेंट क्या क्या है ये इस तरह से कुछ पूछा गया था उसके बाद कैटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया था डेट शायद इसका पूछा गया था हाँ बिल्कुल जी हाँ इसका जो कैटो तो प्रोटोकॉल है उसका डेट पूछा गया था ठीक है उसके बाद रोहतंग पास के बारे में पूछा गया था शायद ये कि रोहतंग पास किस स्टेट में लाइक करता है या कहाँ पे लाइक करता है रोहतंग पास के बारे में पूछा गया था अगर आपके पास भी कोई और क्वेश्चन है प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बता देंगे ताकि बाकी लोगों तक भी पूछेंग पहुँच जाएगा और जो नेक्स्ट आने वाले शिफ्ट से उनके लिए जो अपेयर होते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए थोड़ा सा एक, एक पाथ मिलेगा कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है तो जी हाँ कुल cool, मिलाकर हम यही बता देंगे आपको करंट अफेयर में थोड़ा फोकस करिएगा बाकी रीजनिंग भी आपकी ईजी आती है ईजी टू मॉडरेट आती है स्टैटिक लेवल भी आपका ठीक ठाक ही आता है साइनस में थोड़ा एडवांस लेवल दिखा रहे हैं तो आ, बेस्ट विशेज़ आप लोगों के लिए जिनने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया और जिसने एग्ज़ाम दिया उनके लिए भी बेस्ट विशेज़ है ओके थैंक यू वेरी मच थैंक्स से लॉट